रुद्रपुर में फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले गैंगस्टर आशु भंडारी के दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा बरामद किया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि गैंगस्टर आशु भंडारी के द्वारा रेडिसन होटल के पास एक युवक पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद से ही आरोपी गैंगस्टर आशु भंडारी और उसके साथी फरार हो गए और पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलते ही नैनीताल रोड स्थित संजय वन के पास जंगल से गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया था कुछ बदमाशों के द्वारा, तो उस बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई थी जिसमें एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किया गया था। तो उस जो बहुत ही गंभीर घटना थी, उस गंभीर घटना को पूरी गंभीरता के साथ हम लोगों ने पहले पंजीकृत किया, उसके अनावरण के लिए टीमें गठित की और इसमें मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की सहायता से इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक का नाम जो है करण है और दूसरे का नाम मन्नू अरोड़ा है।